नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे है और मैं ग्रेटर नोएडा स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बिमटेक में इंश्योरेंस का प्राध्यापक हूँ। कोरोना COVID-19 के नाम से जिसे हम लोग जान रहे हैं, हमारे ह्यूमैनिटी के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज के रूप में आया है। 100 सालों में शायद ये सबसे बड़ा चैलेंज है और एक ऐसा विपत्ति है जिसका कि हैंडल करने का हमें बहुत खास एक्सपीरियंस रहा ही नहीं है। विकसित देश भी इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित हैं। अच्छी बात यह है कि कम से कम हमारे देश में इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अभी हम लोग अच्छे ढंग से इसको टैकल कर रहे हैं और इसमें सरकार की सहभागिता बहुत ही अच्छी है और एज ए सिटीजन हम लोगों को भी कॉपरेट करना चाहिए। इस मामले में बहुत सारी चीज़ें क्वेरीज आ रही हैं जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है। बहुत सारे कस्टमर जिन्होंने पॉलिसियाँ ले रखी हैं उनकी अपनी कुछ चिंताएँ हैं और मैं इस विश्व वॉयस मोड के माध्यम से मैं उन सब चीज़ों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो इसमें किसी भी प्रकार की चिंता की ज़रूरत नहीं है। COVID-19 कोरोना से होने वाले सारे डेथ क्लेम हर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा सेटल किए जाएंगे। अभी ऑलरेडी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने प्रेस रिलीज जारी करके बता दिया है कि शायद 10 दिन पहले तक उनके पास 16 क्लेम आए थे और उसे सेटल कर दिया गया है। हकीकत ये है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी IRDA ने हर इंश्योरेंस कंपनी को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोरोना से होने वाले डेथ क्लेम्स को प्रायोरिटी बेसिस पे सेटल किया जाए और ये चीज़ें हो रही हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। चूँकि लॉकडाउन हो गया है, लोगों के फाइनेंशियल्स कैश फ्लो की दिक्कत हो गई है, इसलिए IRDA ने और सारी इंश्योरेंस कंपनी ने जो 1 महीने का जो ग्रेस पीरियड होता है प्रीमियम देने के मामले में, कि अगर आप प्रीमियम नहीं भी देते हैं तो अगले 30 दिनों तक आपके रिस्क कवरेज पे कोई असर नहीं पड़ता है, उसको एडिशनल 30 डेज बढ़ा दिया गया है। यानी आपके प्रीमियम देने के ड्यू डेट से अगले 60 दिनों तक भी अगर आप प्रीमियम नहीं देते हैं तो आपकी पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूंगा कि अगर आपके पास जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है तो प्रीमियम टाइम पे दे देना चाहिए। और आज के डेट में हर इंश्योरेंस कंपनी के पास मल्टीपल ऑप्शन है, कतई ज़रूरत नहीं है कि आपको जा करके ब्रांच के लाइन में ही लगना है। आप विभिन्न माध्यमों से, उनके उनके खुद के वेबसाइट से, पेटीएम जैसे संस्थाओं से, फ़ोनपे से, बहुत सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं और आप पेमेंट कर सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में ज़रूर कुछ ज़्यादा ही डाउट है और जेन्युइन भी है, लेकिन यहाँ भी हमें श्रेय देना चाहिए अपने भारत सरकार और IRDA को कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज को भी कि कोरोना से होने वाली बीमारी को बिल्कुल आम किसी अन्य बीमारी जैसा ही ट्रीट किया जाए। यानी इसके भी क्लेम सेटलमेंट में कहीं भी आनाकानी करने की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। चूंकि लॉकडाउन था इसलिए सरकार ने यहाँ भी छूट दे रखी है कि जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ, मेरे ख्याल से 23 या 24 मार्च से हुआ था, उस दिन से लेकर के 21 अप्रैल तक, चूंकि पहला लॉकडाउन 15 तक था, उन्होंने 7 दिन और एक्स्ट्रा दिया था, 21 अप्रैल तक कोई अगर प्रीमियम नहीं दे पा रहा है तो पॉलिसी को लैप्स्ड नहीं माना जाएगा और जैसे ही आदमी पेमेंट करेगा उसकी पुरानी पॉलिसी को एज इट इज़ ट्रीट किया जाएगा। अच्छी बात ये थी कि क्लैरिफिकेशन भी आया कि प्रीमियम नहीं देने की स्थिति में और इस पीरियड के बीच में, 23 मार्च से लेकर के 21 अप्रैल के बीच में, अगर कोई क्लेम आता है तो उस क्लेम को भी ऑनर करना होगा। तो 21 तक तो कोई चिंता की बात नहीं है। चूंकि लॉकडाउन फिर बढ़ गया है इसलिए हमें अगले नोटिस का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा कि पेमेंट के बहुत सारे माध्यम हैं और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना पेमेंट जरूर कर दें। मोटर इंश्योरेंस के बारे में भी सिमिलर ग्रेस पीरियड का एक्सटेंशन है, यानी 21 अप्रैल तक अगर आप अपना प्रीमियम दे देते हैं, जो अगर नहीं दे पाए हैं 23 मार्च के बाद, तो भी आपकी पॉलिसी कंटिन्यू मानी जाएगी और इस पीरियड में होने वाले क्लेम का भुगतान भी किया जाएगा। हालांकि अच्छी बात ये है, या जो कहिए आप, लॉकडाउन के कारण रोड पे गाड़ियों का मूवमेंट बंद है और इसलिए इस तरह की एक्सीडेंट की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। एक अच्छी बात और हुई है कि भारत सरकार, नॉर्मली क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में IRDA के द्वारा मोटर प्रीमियम के बारे में एक रिवीजन लिया जाता है और अक्सर देखा गया है कि थर्ड पार्टी प्रीमियम जो होता है उसका रेट बढ़ता है, लेकिन इस बार
संभावना चैलेंजेस को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि इस साल फाइनेंशियल ईयर के लिए 2021 के लिए किसी प्रकार का प्रीमियम में इंक्रीज नहीं किया जा रहा है। एक बहुत ही क्वेरी आ रही है कस्टमर के द्वारा कि अभी इस माहौल में बहुत सारी कंपनियों ने छोटी छोटी पॉलिसियां मार्केट में निकाली हैं, और ये पॉलिसियां जो कि केवल कोरोना स्पेसिफिक हैं, बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स फ़ोनपे, फ्लिपकार्ट, पेटीएम वगैरह पे अवेलेबल हैं। अब इसके बारे में मेरी राय थोड़ी अलग है। नो डाउट ये पॉलिसियां ठीक ठाक हैं, लेकिन जब हम पॉलिसी खरीदते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी केवल जो बेनिफिट्स होती हैं उसको ही हाईलाइट करती हैं, लेकिन एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लेम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है उस पॉलिसी का एक्सक्लूजन। हम लोगों ने थोड़ा सा एनालिसिस किया था एज ए इंश्योरेंस प्रोफेशनल, और मेरी अपनी राय है कि अगर आपके पास क्षमता है तो इन पॉलिसियों के लेने के बदले में आप एक ट्रेडिशनल पॉलिसी जो आम पॉलिसी होती है आप उसे लें। इसके पहले भी मैंने एक वॉइस रिकॉर्ड शेयर किया था, अभी हाल में ही IRDA ने आरोग्य संजीवनी नाम की एक पॉलिसी लाई है, बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, और वो पॉलिसी हर इंश्योरेंस कंपनी के पास अवेलेबल है। तो अपने फाइनेंशियल्स को देखते हुए अगर संभव हो तो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि आप सबसे पहले तो वो बेस पॉलिसी जो होता है उसको ले लीजिए, उसमें सिर्फ कोरोना ही नहीं, उसमें आपके किसी भी तरह के बीमारी का इलाज संभव है। हाँ, अगर पैसे की तकलीफ है तो मैं ये मना नहीं करूँगा कि जो छोटी पॉलिसियाँ आप उसको न लें, क्योंकि डिस्प्यूट की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि जो एक्सक्लूजन के जो क्लॉजेज हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट हैं। फिर भी जिसको बोलते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, अगर वो वाली स्थिति है तो मेरा सजेशन है कि आपको कोविड के जो स्पेसिफिक प्लान डिफरेंट कंपनी से आए हैं आप उसको भी ले सकते हैं। ये समय बहुत ही कठिन है, जब तक वैक्सीन मार्केट में नहीं आता है इसका कोई इलाज नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग और एक दूसरे से समन्वय बना कर रखना ही इसका इलाज है। भारत सरकार के द्वारा हर निर्देशों का पालन कीजिए, स्टे इंडोर, स्टे सेफ, और दुनिया को भी सेफ रखिए। धन्यवाद।